जालौन जिले में लगातार हो रही चोरियों के बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी, तभी चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चोर ने एट में हुई मोबाइल शॉप की चोरी की घटना को भी स्वीकार कर लिया है। जालौन के कस्बा एट में बीती 4 जनवरी की रात चोरों द्वारा एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया गया था। मोबाइल शॉप की शटर सरिया से तोड़कर 25 सामान्य मोबाइल तथा 35 टच स्क्रीन एंड्रॉयड मोबाइल, 5 LED TV और दुकान में रखे 5,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे। दुकान मालिक जितेंद्र ने थाना एट में दुकान चोरी की तहरीर भी दी थी। सोमवार को एट थाना के उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह गश्त पर थे, तभी हाईवे पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर उसकी तलाशी ली गई तो मोबाइल शॉप पर चोरी करने वाला अभियुक्त निकला। अभियुक्त अजीतमल औरैया के सिरसा कलार का रहने वाला है। चोर के कब्जे से चोरी किए हुए 2 मोबाइल और एक देसी तमंचा कारतूस के साथ बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया अभियुक्त पेशेवर अपराधी है। इसके खिलाफ जनपद में कई थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कार भी दिया गया है। 4-5 जनवरी को एट कस्बे में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी। वहाँ काफ़ी मोबाइल और TV वगैरह भी गए थे। इसमें पहले ही खुलासा किया जा चुका था इस घटना का। इसमें काफ़ी मोबाइल और LED TV वगैरह जो थी वो बरामद हुई थी। 3 मुलजिम पकड़े गए थे, उसमें से 2 बकाया थे। अभी 1 मुलजिम आज पकड़ा गया है, उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल बरामद हुई थी और एक कट्टा भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई तो पहले ही आपराधिक इतिहास रहे हैं। मुख्यतः रहने वाले औरैया के हैं, लेकिन इसमें सिरसा कलार में रह रहे हैं। कितने लोग शामिल थे सर इसके? इसमें कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें सब तक 4 लोग पकड़े जा चुके हैं, एक अभी कभी फरार है, जिसकी तलाश की। न्यूज़ BK के लिए जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।